मुहूर्त सारे महीने उनका महात्म मिलकर पुरुषोत्तम मास के महात्म के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। सुन लो, 12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करे, बड़े प्रसन्न भए, बोले पुत्री दुखी मत हो, तुम्हारे दुखों का नाश करने के लिए ही मैं आया हूं। आज के तीसरे महीने में पुरुषोत्तम मास आएगा, इस पुरुषोत्तम मास में तुम तीर्थ में नित्य स्नान करना, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक आदि, माघ कार्तिक आदि का बड़ा महात्म्य है, लेकिन इससे 1,000 गुना महात्म्य पुरुषोत्तम मास का है। पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारहन्ति षोडशी, सारे मुहूर्त सारे महीने उनका महात्म्य मिलकर पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। सुन लो, 12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करे, गोदावरी में स्नान करे, सिंह राशि में बृहस्पति गुरु होने पर उस पुण्य फल की प्राप्ति पुरुषोत्तम मास में एक बार किसी पवित्र समुद्र गामनी नदी, गंगा यमुना आदि नदी में एक बार गोता लगा ले तो प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का वह प्रिय हो जाता है, ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस मास को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है, इसे पुरुषोत्तम मास बताया। और एक बात और दुर्वासा जी ने बताई, दुर्वासा जी ने कहा कि मैंने विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान किया था, इसी कारण से जब मेरे द्वारा भक्त अम्बरीश का तिरस्कार हुआ और भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आया तो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने के कारण ही सुदर्शन चक्र ने मुझे जलाया नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास करने वाला भगवान को प्रिय हो जाता है, भगवान के प्रिय को सुदर्शन कैसे जलावे। यदि हमने पुरुषोत्तम मास न किया होता तो सुदर्शन चक्र हमको जला देता, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। मैं भी पुरुषोत्तम मास की कृपा से ही बचा हुआ हूं, सुरक्षित हूं, इसलिए तस्मात भजस सुभगे श्रीमंतम पुरुषोत्तमम, इसलिए हे सुभगे तुम पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करोगे।